एक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आई फोन की कैमरा सेटिंग के बारे में मैं कर हूं, की मुझे लगता है की काफी लाजवाब कैमरा है लेकिन कुछ लोग मेरे रिव्यू में बोल रहे थे यार हमारे तो इतने अच्छे फोटोज आए थे और इतना खास क्या है तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा मैं इसका कैमरा टेस्ट पोस्ट कर चुका हूँ साथ ही साथ में इसका एक कैमरा रिव्यू भी लेके आऊंगा लेकिन आज मैं इसका सिर्फ कैमरा सेटिंग के बारे में बात करूंगा बाकी से वगैरह ऑलरेडी मौजूद है वो आप देख लेना पहले मैं लेकिन शुरुआत में बता दूं कि ये वीडियो दू भी स्पॉन्स नहीं है क्योंकि एप्पल तो तो भी करता नहीं और सेटिंग्स के लिए तो कौन ही ही वीडियो को करेगा साथ साथ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो शूटर नहीं हूं मैं यूट्यूब के लिए कॉन्टेंट बनाता हूं तो हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जो भी मैं आईफोन आई फोन से फोटो में अच्छी क्वालिटी के लिए क्योंकि मैं कैमरा यूज करता हूं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आईफोन की क्वालिटी काफी अच्छी है तो ये सेटिंग्स बिल्कुल ही बिगनेस फ्रेंडिंग है मैं बहुत प्रो लेवल तो नहीं शायद बता पाऊँ लेकिन इससे आपकी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आईफोन का कैमरा अगर आप बिना किसी सेटिंग चेंज करे भी यूज करोगे तो काफी गजब की फोटोज या आती है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते शुरुआत करते हैं अपनी सेटिंग्स के बारे में आपका टाइम वेस्ट नहीं करते लेकिन अगर आपको इसी तरह का देखना पसंद है मतलब अच्छी अच्छी देखना पसंद है काम की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तभी तो तो मेरा मन करेगा ना इस तरह की बनाने के लिए तो खैर आप वीडियो की शुरुआत करते हैं फाइनली तो सबसे पहले सेटिंग है रिगार्डिंग वीडियो के तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो फोर के सिक्सटी में शूट करो क्योंकि फोर के सबसे बड़ा रेजोल्यूशन है और पे यह है कि अगर आप थर्टी एफ का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या इंस्टाग्राम वगैरह के

का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है कैमरा तो उसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप अपने पी या एन टी सी दो फॉर्मेट्स होते हैं ना उसके बारे में किसी और दिन बात करें लेकिन पी के फॉर्मेट्स ऑन करने के लिए आपको नीचे एक टॉक मिलेगा उसे ऑन कर लीजिएगा तो आपको ट्वेंटी फाइव का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो यह रेजोलूशन के रिगार्डिंग उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट्स के अंदर और वहां पर आपको एच और मोस्ट कंपेटेबल के दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो अगर आपके पास स्टोरेज की कमी है जो कि मेरे हिसाब से वन ट्वेंटी एट जीबी से शुरू होता है तो यार आईफोन 15 प्लस या 15 तो उसके अंदर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी

थोड़ा स्लो कर लीजिए वो काफी बढ़िया लगता है लेकिन अगर आपने स्लो मोशन बहुत ज्यादा लेना ही है तो टू फोर्टी एफ को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें क्योंकि उसमें एक तो शटर स्पीड काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है अब बात करते हैं सिनेमेटिक मोड की जो की काफी गजब का है इसके अंदर तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप फोर में शूट करें ट्वेंटी फोर ज्यादा सिनेमेटिक लगता है लेकिन जैसे मेरे जैसे थर्ट एफ पी एस वीडियो देख रहे हो तो थर्टी एफ पर उसे रिकॉर्ड करें और लिटरली काफी गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि फोर के जैसे बड़ा रेजोशन है में इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा तो फोर में ही शूट करें और अगर आपको बिल्कुल एक सीनेमेटिक डे एस वाइल लुक चाहिए

रिजल्ट मिलेंगे आप बढ़ा भी सकते हैं अगर अभी भी आपको एज थोड़ी सी ब्लडेड सी लग रही है और घटा भी सकते हैं अगर आपको परफेक्ट शॉट रहा डिपेंड लेकिन फोर पॉइंट फाइव से फाइव मेरे हिसाब से बढ़िया ब्लड भी देगा आपको अच्छा खासा और अच्छी क्लैरिटी भी देगा अच्छी एज डिरेक्शन भी देगा और सेम केस ही है अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटो शूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप एफ की वैल्यू इंक्रीज कर लीजिए जिससे काफी नेचुरल बलर आपको देखने मिलेगा और अगर आप चाहते हैं वही डी वाली जैसे थर्टी फाइव एम एम पे शूट हो रहा है ऐसी ही लुक चाहते हैं टू एक्स पर शूट करिए काफी गजब के पोर्ट्रेट वो आपको लेगा जैसे प्रो वगैरह में आते थे पहले इनके साथ ही साथ

पोर्ट्रेट लेते हुए रेजोल्यूशन कंट्रोल वगैरह सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहते हैं जैसा आप छोड़े वैसा ही रहे उसमें जाकर आप वो सेट कर सकते हैं फिर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग अब इसमें क्या होता है कि जब आप काफी ज्यादा क्लिक करते हो जल्दी फोटो ले रहे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देता है जिसकी वजह से कई बार प्रोसेसिंग बहुत जल्दी करते हैं जिसकी वजह से अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता तो उससे आप ऑफ कर लीजिए क्योंकि जल्दबाजी में कई बार वो फोटो को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता और अच्छी फोटोज नहीं आती उसे आप ऑफ कर लीजिए उससे प्रोसेसिंग में बहुत माइनस का फर्क पड़ेगा लेकिन हाँ इमेज की क्वालिटी पे काफी ज्यादा इफेक्ट

ऑन कर लीजिए ताकि जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें तो आपका व्हाइट बैलेंस लॉक हो जाए कई बार होता है जैसे आप कैमरे को ऐसे घुमा रहे हो तो वो यहाँ पर धूप है वहाँ पे नहीं है तो वो व्हाइट बैलेंस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर करता है तो वो ऐसा चेंज नहीं करे क्योंकि उसकी वजह से कई बार वो अनप्रोफेशनल लगती है साथ ही साथ आप जब भी कोई फोटो या वीडियो ले रहे होंगे तो आप अपने ऑटो फोकस को और एक्सपोजर को लॉक कर लीजिए और आप स्लाइडर को ऊपर नीचे करके अपना एक्सपोजर कंट्रोल भी कर सकते हैं ये चीज काफी मदद करेगी एक प्रोफेशनल शॉट लगने में जो अनमेचोर शॉट आपका नहीं लगेगा और उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है आपको सिर्फ टैप एंड होल्ड करके रखना है और आपको ऑटो फोकस और एक्सपोजर लॉक हो जाएगा और अगर आप एक्शन मोड में शूट करना पसंद करते हैं तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है एक्शन मोड लोअर लाइट उसे आप ऑन कर लीजिए जिससे क्या होता है कि ये जो एक्शन मोड में काफी अच्छी स्टेबिलाइजन लेने की कोशिश करता है उसे थोड़ा कम कर देता है डिपेंडिंग अपने सिनेरियो क्योंकि उसके लिए ज्यादा स्टेबिलाजने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए होती है जिसकी वजह से कई बार आई वगैरह बूस्ट कर देता है और कई बार वो काफी जिटरी भी लगती है तो उसे आप ऑन कर लीजिए जिससे लो लाइट में अगर आप इंडोर एक्शन मोड का यूज करते हैं तो आपकी काफी मदद होगी और इसके अंदर एसडीआर वीडियो का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है आप एस में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और उसे बंद करके भी रिकॉर्ड कर सकते हो एच डी ज्यादा बढ़िया है लेकिन वो उन्हीं पे देखने में मजा है जिनके पास एच स्क्रीन है तो यूट्यूब पे जो आप मोस्टली वीडियो देखते हो वो एच में नहीं है और साथ ही साथ एस काफी ज्यादा प्रोसेसिंग भी लेती है जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो एस डी में नहीं है एस डी में है तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है रील्स वगैरह के लिए आप एसडीआर भी यूज कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है साथ साथ इसके साथ में एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि आप नीचे दिए गए फिल्टर्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें उन्हें यूज ना करें आप पोस्ट में एडिट कर लीजिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो एक प्रोसेसिंग स्टेप ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी वीडियो की क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है बाकी आपकी अपनी मर्जी है अगर आप ज्यादा सुंदर या आपको वाइट बैंड कलर पसंद है या एक डिफरेंट टाइप का मूड है आपका वीडियो को देखने का तो आप वो यूज कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से उसे अवॉइड करने की कोशिश करें बाकी आपकी मर्जी है उसके केस में लेकिन मैं चाहूंगा उसे आप अवॉइड करें तो ये थी बेसिकली मेजर सेटिंग्स जो इसको चेंज करके आप लिटरली काफी बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो अपने आईफोन फिफ्टीन पर और मेरे हिसाब से गजब का कैमरा है फोर्टीन और फिफ्टीन में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है तो उसके रिगार्डिंग में आपको कैमरा रिव्यू में डिटेल में बात करेंगे लेकिन फिलहाल इसके बारे में आज यही खत्म करते हैं इसके साथ मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आईफोन की सब आईफोन के लिए 13, 14 अगर आपके पास है उसके में दो वीडियोस बना चुका हूँ एक कुछ साल पहले बनाई थी बाकी आगे भी लेके आऊंगा लेकिन उसके लिए आपको इस को पड़ेगा। बाकी एप्पल से रिलेटेड सारा कॉन्टेंट चैनल मुझे चेक कर लेना और आपको इसी तरह का लाइक करते जरूर जाना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि जैसी मैं वीडियो डालू आपको पता चल जाए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ thank you